Hello friends, welcome to RK Classes. I'm Ravinder Kotwal and आपका जो बेसिक न्यूमरेसी का कंटिन्यूएशन कर रहा हूं मैं टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क में से इम्पॉर्टेंटली दो तीन क्वेश्चन आते हैं. बहुत इजी होता है लेकिन इसका अगर बेसिक नहीं आता है तो ये बहुत टफ भी होता है. ओके, तो मैं इनको बहुत इजी बनाने की कोशिश करता हूं. सो आपका क्वेश्चन है ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 30 डेज. ए एक आदमी है, लेट इट बी अजय. अजय कैन डू ए पार्टिकुलर वर्क इन 20 डेज. 20 दिन में वो काम खत्म कर रहा है. और बी जो है बाबूलाल, ये 30 डेज में काम खत्म कर रहा है. ओके, हाउ मच टाइम दे टेक टुगेदर इफ दे विल वर्क टुगेदर. अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन दोनों को इस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा. देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कैसे इसे पहले वो सीख लीजिए. यूनिटरी मेथड से कराऊंगा मैं. डेज और वर्क मैं ऐसे लिख रहा हूं. अपना जो पहला बंदा है ये 20 डेज में एक काम खत्म करता है. कौन? ए. ए 20 डेज में एक काम को खत्म करता है. तो वन डे में कितना काम करेगा ये? 1 out of 20. सो उस 20th उस एक काम का 20th पार्ट जो है ए एक दिन में कर सकता है. ओके, सो वर्क डन बाय ए इन वन डे, वर्क डन बाय ए इन वन डे इज इक्वल टू 1 out of 20. सिमिलरली क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लग गया. किसका? ए के काम का. 20 डेज लगाता था, 1/20 हो गया. उसी तरह अगर बी की बात करेंगे तो दिस इज वर्क, आई मीन डेज, दिस इज वर्क. तो बी जो है 30 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/30. देयरफॉर वर्क डन बाय बी, दिस इज वर्क डन बाय बी इन वन डे इज इक्वल टू 1/30. ओके, 1/30 मतलब 30th पार्ट ऑफ द होल वर्क इज डन बाय बी इन वन डे. तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे, एक दिन में दोनों ने मिलके कितना काम किया, इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30. कितना हो गया? दोनों का एलसीएम 60, 3 जार 3 1 जार 2 30 जार 60, तो 2 से 5 out of 60. हाँ, 60th पार्ट ऑफ 5 जॉब्स दे आर डूइंग टुगेदर. ओके, एक दिन में वो 5/60 काम कर रहे हैं. ओके, कितने दिनों में वो इस काम को खत्म करेंगे? लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, लेट इट बी एक्स. एक्स दिनों में वो खत्म कर रहे हैं, दैट मीन्स 5/60 इंटू एक्स इज इक्वल टू दैट होल जॉब. वर्क कितना है? एक काम है. उस एक काम को 5/60 एक दिन में करते हैं तो एक्स दिनों में एक्स इंटू दैट जॉब. सो इट विल बिकम एक्स इक्वल टू 1 into 60 by 5 5 1 sir 5 12 sir. एक्स इक्वल टू 12 मीन्स दे विल टेक 12 डेज, दे बोथ विल टेक 12 डेज टू फिनिश दिस जॉब. ओके, समझ लिए, दिस इज द प्रॉपर वे हाउ टू डू इट. लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हाँ, तो उसके लिए आपने ये लंबा प्रोसीजर नहीं करना है. उसके लिए क्या करना है, जब भी वर्क और टाइम का कोई क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, सिंपली वेरी शॉर्टकट में, कैसे? पहले बंदे ने काम कितना किया? 1/20. दूसरे ने कितना किया? 1/30. ओके, इसको ऐड करो 60, 3 plus 2 5/60, 5 1 जर 5 12 जर, 1/12 वो दोनों मिलके कर सकते हैं एक दिन में. तो दोनों को इसका रेसिप्रोकल करके 12 डेज इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर दैट वर्क टू बी फिनिश्ड बाय ए एंड बी बोथ. दोनों मिलके सर 12 दिन लगाएंगे और इतने में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है. ओके सर,
अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे वो बढ़ा सकते हैं, ये जो हाउ मच दे कैन फिनिश, हाउ मच टाइम दे विल यूज के बदले में वो ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज दे वर्क फॉर 5 days टुगेदर, हाँ। इसके आगे अगर वो पूछते हैं कि बाकी कितने दिन लगेंगे, तो आपने अभी अभी ये 12 फाइंड किया था, 12 माइनस 5 करके आप बोल सकते हैं कि 7 days और लगेंगे। लेकिन आगे पूछ रहे हैं कि उन्होंने 5 दिन टुगेदर काम किया, आगे पूछ रहे हैं हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, काम कितना बचा, पीछे काम जो बचा वो कितना बचा। तो आपने क्या करना है, दोनों का काम अभी आपने किया था मल्टीप्लाई बाई कितने दिन काम किया उन्होंने, 5 दिन काम किया, टोटल काम कितना हुआ, 5/60 × 5, ये 5/60 बना था, 5 × 1 = 5, 12 जा, तो 5/12 काम आपके पास बचा, मतलब कितने दिन का काम बचा आपके पास, सॉरी काम जो बचा 5/12 ऑफ द वर्क इज, दिस वर्क इज डन, ये काम हुआ है, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, देयरफॉर वर्क लेफ्ट इज इक्वल टू 1 − 5/12, दैट इज 12 − 5/12, दैट इज 7/12, टोटल काम का 7/12 पार्ट जो है वो अभी भी बचा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं सर, ओके। कभी तीसरी बात इसमें एक और ऐड की जाती है कि तीसरा बंदा भी इसमें डाल देते हैं, ओके। तीसरा बंदा कैसे डालते हैं, दो बंदे, एक 30 दिन में काम करता है, एक 20 दिन में काम करता है, विथ द हेल्प ऑफ सी, विथ द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश्ड द वर्क इन लेट इट बी 9 days। तो इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश इट, अभी क्या है, ए 20 दिन में काम खत्म करता है, बी 30 दिन में खत्म करता है, और एक सी बंदा है जो कितना कितने दिन में खत्म करता है मालूम नहीं, लेकिन उसकी हेल्प से ये दोनों मिलके, ये तीनों मिलके काम को 9 दिनों में खत्म करते हैं। तो आपने बताना है कि सी अकेला जो है वो कितने दिनों में उस काम को खत्म कर सकता है, ओके। तो मान लीजिए सी एक्स डेज में खत्म करता है, तो फिर क्या होगा, 1/20 + 1/30 + 1/x, दिस इज द वर्क डन बाय सी इन 1 day, इंटू 9 days वो काम कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं काम को, दिस होल इंटू 9 इज इक्वल टू 1। सो आपको मालूम था ये 5/60 आया था, 5/60 + 1/x = 1, तो इंटू दिस होल इंटू 9 भी है, ओके, 45/60 + 9/x = 1, इसको उधर लेके जाओ, 9/x = 1 − 45/60, सो 9/x = 60 − 45/60, ये हो गया आपके पास 9/x = 15/60, 15 × 1 = 15, 4 =, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 1 = x, 36, x क्या था, सी एक दिन में, सी कितने दिनों में खत्म कर सकता है, सो सी कैन फिनिश
finish it in 36 days. अगर C36 में इस काम को खत्म कर सकता है तो जाके ये तीनों लोग मिलके इस पूरे काम को 9 दिनों में खत्म कर सकते हैं. समझ लिया सर? अभी ये क्वेश्चन देखिए. ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज. ए को 60 दिन लगते हैं काम खत्म करने में और उसी काम को खत्म करने के लिए बी को 40 दिन लगते हैं. इफ दे बोथ स्टार्टेड टुगेदर, अगर उन्होंने दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, बट आफ्टर 10 डेज ए लेफ्ट, लेकिन 10 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है, तो इन ऑल हाउ मेनी डेज बी वर्क्ड टू फिनिश इट. तो बी ने कुल मिला के ए के साथ भी जो काम किया और अकेले भी जो काम किया, कुल मिला के कितने दिन काम किया, दिस इज द क्वेश्चन. और आपके पास चार ऑप्शन होंगे. अब देखिए, 10 दिनों तक, स्टार्टिंग के 10 दिनों तक दोनों ने काम एक साथ शुरू किया, दोनों साथ काम कर रहे थे. तो मैंने आपको बताया ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/60, बी 1/40. दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं एक साथ, 10 दिन. ये वो काम है जो उन्होंने 10 दिन में खत्म किया. तो 60 और 40 का 120 एलसीएम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 120 आता है, इसको भी 2 से करो, 2 1s are 2. इसको मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ता है, 120 के लिए ऊपर भी 3 से करो, इंटू 10. तो ये 5 upon 120 into 10, ये और ये कैंसिल, 5/12 ऑफ द वर्क इज डन. 10 दिनों में 5/5 काम खत्म कर दिया उन्होंने. अब कितना बचा रिमेनिंग वर्क, कितना है रिमेनिंग वर्क है आपके पास, टोटल वर्क माइनस 5/12. तो ये बना 12 minus 5/12, जो कि 1/12. अब सॉरी 7/12. अब जो आपके पास जॉब बचा, काम जो करने के लिए बचा है, 7/12 काम बचा है, 5/12 ऑफ द वर्क इज डन. ओके, अब अकेला भी करेगा, कितने दिन करेगा, लेट ही विल डू द जॉब इन फॉर एक्स डेज. तो 1/40 एक दिन में करता है, मल्टीप्लाई बाई एक्स विल बी इक्वल टू 7/12. 7/12 जो काम बचा उसे उसने फिनिश करना है. एक्स इक्वल टू 7/12 इंटू 40. 4 threes are 4 tens are 70 by 3 of the 3 days he will require, that is 2 threes are 6 3 threes are 9 by 1/3. So 23 1/3, 23.3 days you can say. So 23.3 days isko akele kaam karna hai. Overall B ko kitna kaam karna pada, 10 din A ke saath प्लस 23.3 डेज, तो 33.3 डेज ही हैड वर्क्ड. सो ये ऑप्शन में आपके पास 33.3 भी हो सकता है या 33 1/3 भी हो सकता है, बोथ आर सेम थिंग्स. ओके, तो ये है अगर एक बीच में छोड़ के जाता है, स्टार्टिंग में कुछ दिन काम एक साथ किया उसके बाद ये छोड़ के चला गया. कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए कैसे, ए कैन डू सेम क्वेश्चन, 60 डेज में ए कर सकता है, बी 40 डेज में कर सकता है, दोनों ने साथ शुरू किया, बट ए लेफ्ट द जॉब. यहां से आगे चेंज कर रहा हूं मैं, बट ए लेफ्ट द जॉब या द वर्क 10 डेज बिफोर इट फिनिश्ड, 10 डेज बिफोर इट फिनिश्ड. 10 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया. अब ये फिनिश कितने दिनों में हुआ था और इसने 10 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब इसके 10 दिन, वो जो 10 दिन पहले छोड़ा है वो 10 दिन बी ने अकेले ने काम किया है. और यहां पे भी क्वेश्चन यही है, हाउ लॉन्ग डिड बी वर्क, बी ने कुल मिला के कितने दिन काम किया, ये है क्वेश्चन. 10 दिन पहले इसने छोड़ दिया. ओके, लास्ट के 10 दिन, लास्ट 10 डेज बी ने अकेले ने काम किया, 1/40 इंटू
10 days. That is 1/4 of the work is done by B. B akele ne 1/4 kaam kiya. Iska matlab dono ne milke kitna kaam kiya hai? Dono ne kiya hai 1/60 plus 1/40. Kitne din maan lijiye inhone x din kaam kiya tha dono ne? Is equal to ye baad mein 1/4 is akele ne kiya. To 1 - 1/4 ये काम था जो इन दोनों को मिल इन दोनों ने मिलके किया था. टोटल काम माइनस ये बी का किया हुआ काम बाद के 10 दिनों का. ओके तो ये आपके पास 120 2 प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 4 - 1/4 5 by 120 इंटू एक्स इक्वल टू 3/4. सो एक्स इज इक्वल टू 3/4 into 120/5. 4 ones are 4, 3s are 30. 5 ones are 5, 6s are 18 days उन दोनों ने मिलके काम किया था. कितना? 18 days दोनों ने मिलके काम किया और B ने 10 दिन अकेले काम किया. तो B का total work done कितना हुआ? कितने दिन लगाए उसने? 10 दिन अकेले और 18 दिन A के साथ. Total 28 days he has worked. Okay, इसमें अगर A का पूछा होता तो के A ने कितने दिन काम किया? तो only 18 days. Okay sir, तो इस तरह के question होते हैं time and work के. अगर इस तरह के कुछ questions देख लीजिए, कर लीजिए, doubts आते तो मुझे question भेज दीजिए. Okay.